हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फिजियोथेरेपी कराने। ये देखिए आप, ये है हमारा फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, जो है बिसलपुर विस्टर बस स्टैंड सिस्टम कंप्यूटर के ठीक बगल में। और ये है हमारे डॉक्टर साहब, देखिए कितनी मेहनत की। और ये देखिए आप, मुझे हो गए हैं 10 दिन अपने हाथ का फिजियोथेरेपी कराते हुए, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्पफुल डॉक्टर साहब हैं। और यहाँ के मेंबर जो हमारे इलाज में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं आपको आज सब कुछ दिखाऊंगी, मेरे हाथ के साथ कौन कौन सी थेरेपी होती है। ये हैं हमारे डॉक्टर सर, एक आंटी आई हुई हैं, ये देखिए आप, उनका चल रहा है स्पेंडुलाइसिस का इलाज। और ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही हेल्पफुल, बहुत अच्छे। और मेरा भी इलाज चल रहा है यहीं से। अब और आप लोगों को, मुझे शुगर की वजह से मेरे लेफ्ट हाथ का कंधा जाम हो चुका था, जिसकी वजह से देखिए मेरा हाथ बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं उठ रहा। अब होने जा रही है मेरा इलाज, और जिसको करेंगे हमारे नितिन बेटा जी। शुरू से आपको दिखाऊंगी मेरे साथ क्या क्या होता है। यहाँ बैठूँ? ये लो जी दोस्तों, पहला स्टेप शुरू हो चुका है मेरे हाथ में। ये देखिए शुरुआत होती है यहाँ से, मेरे कंधे पे जेल लगा के अब मशीन से धीरे धीरे मसाज होगी। ये देखिए आप, ये है इस थेरेपी का पहला स्टेप। मुझे आगे हो गए हैं 10 दिन आते आते, अब मुझे बड़ा रिलीफ है अपने कंधे में। और ये है सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के बगल में, और यहाँ के सर हैं डॉक्टर पी के गुप्ता जी, है ना। और मेरा इलाज कर रहे हैं हमारे नितिन बच्चा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा व्यवहार, कुशल स्टाफ है यहाँ का। अगर आप किसी को शुगर की वजह से कंधा जाम होने की प्रॉब्लम, स्पेंडुलाइसिस, किसी प्रकार की भी हड्डियों की जकड़न का है, आप आ सकते हैं मेरे घर के ठीक अगली गली में, पुराना बिसलपुर बस स्टैंड। और आप अपना इलाज संतोषपूर्वक बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही व्यवहार कुशल है। अब मैं इसके बाद, आप बने रहें ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये है पहला स्टेप। लो जी दोस्तों, सेकंड स्टेप आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे लगा हुआ था इलेक्ट्रिकल हीटिंग बैग जो अलाउड नहीं है मोबाइल के साथ। और तीसरी प्रतिक्रिया देखिए, ये चल रही है, मेरे हाथ में लगे हुए हैं सारे इलेक्ट्रिकल यंत्र, जिनसे वाइब्रेशन हो रहा है। और मेरी हाथ की नसें खोली जा रही हैं, कंधा बिल्कुल जाम है। ये देखिए आप, ये चलेगा 15 मिनट तक। ये देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं, मेरी कोहनी में भी हीटिंग बैग लगा है। ये मेरा बनाने का मकसद है, मेरा यूट्यूब परिवार, गीत वाले, जो भी जिसको कोई परेशानी हो, आप यहाँ आके अपनी थेरेपी वगैरह करवा सकते हैं। पहली बात तो भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन मुझे हो रहा है तो मैं करवा रही हूँ अपना इलाज यहाँ से। ये ब्लॉग बनाने का मकसद यही है कि मेरा यूट्यूब परिवार है, उनको जानने का हक है कि मुझे क्या हो रहा है।
ये है थर्ड प्रतिक्रिया। इसके बाद जो होगा आप सबको दिखाऊंगी, बने रहें ब्लॉग में। ये लो जी दोस्तों, यहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं, ये मैंने आप सबको दिखा दिया। और मैं कल तक ये भी कर रही थी, रस्सी खींचने वाला, और ये साइकिलिंग इसको भी चला रही थी कल तक, आज नहीं चलाया। क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। और इधर देखो मेरा हो चुका है ट्रीटमेंट, और आंटी जी का चल रहा है, लेटी हैं आंटी जी। और हमारी यूट्यूब फैमिली को बता दीजिए आपके यहाँ कौन 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 से ट्रीटमेंट देते हैं आप। हम यहाँ पर ट्रीटमेंट में आपका सर्वाइकल ट्रीटमेंट है, ज़्यादा पैरालिसिस हो गया आपका, सर्वाइकल हो गया, एलवी के साथ में आपका रेडी हो गया, ज़्यादा बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। दोस्तों मेरे YouTube परिवार, जो मेरा पीलीभीत का YouTube परिवार है, आप सब मेरे ब्लॉग के माध्यम से जान सकते हैं। मैं सर के वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है 10 दिन से, और मुझे बड़ा आराम है, और बहुत ही अच्छे हेल्पफुल और बहुत ही कोमल स्वभाव के सर हैं हमारे। और ये है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के पास में ही, और मेरे घर के जो जो मेरा घर जानते हैं, दीपा लोहानी ब्लॉग्स वालों का, दूसरी गली में पुराना बिशनपुर बस स्टैंड। और आप सब किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके की, आप आ सकते हैं और अपना संतोषजनक ट्रीटमेंट यहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज इतना ही, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूं। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। सभी को मेरा राधे राधे।